हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिटेंट्स, फार्मास्यूटिक्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पाउडर्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स के बारे में, मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स के बारे में बात करेंगे, अब ग्रेनुलर पाउडर्स के बारे में बात करेंगे और इफर्वेसेंट पाउडर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स के बारे में। तो हम जब भी अपने अलग पाउडर की वेइंग या मिक्सिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ पाउडर का लॉस होता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी अलग पाउडर की वे करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा। मीन्स अगर एक इसका हम एग्जांपल लें तो अगर आपको वो 10 डोज प्रिपेयर करनी है किसी पाउडर की, तो हम वहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो डोज वो लेंगे, हम वो टोटल कैलकुलेशन जो है, जो हमारी क्वांटिटी है उसको 11 डोज की वो रखेंगे, जिससे कि अगर लॉस भी होता है तो कम से कम हमारी 10 डोज प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए। वो डिस्पेंसिंग वो बैलेंस आर नॉट सेंसिटिव, तो जो हम डिस्पेंसिंग बैलेंस यूज़ करते हैं पाउडर्स को वे करने के लिए, वो जब वो काफ़ी सेंसिटिव नहीं होते हैं, उससे अगर हमारे पास वो 2 ग्राम या 100 mg से कम की क्वांटिटी अगर हमें वे करनी होती है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जो हमारा डिस्पेंसिंग बैलेंस है उससे वे करने के लिए। तो उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ अमाउंट एक डाइल्यूएंट का ऐड कर देते हैं और उसके बाद में उसको हम वेबल प्रिपेयर करते हैं। मीन्स अगर हमारी जो ड्रग है उसकी क्वांटिटी 100 mg से कम है तो उस कंडीशन में हम और क्वांटिटी, हो सकता है वो लैक्टोज की, उसके अंदर ऐड कर दें, जिससे कि जो हमारी क्वांटिटी है वो 100 mg से इंक्रीज हो जाएगी, 200-300 mg हो जाएगी और हम आसानी से रिक्वायर्ड अमाउंट एक्यूरेटली यहाँ पे वे कर पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे पाउडर्स हैं उनके मिक्सिंग के बारे में, तो उस कंडीशन में जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं पाउडर्स के, उनको एक हम असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करते हैं और उसको फिर हम अच्छे से मिक्स करते हैं और एक होमोजीनियस पाउडर प्रिपेयर करते हैं। अगर हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हेलो वो इंग्रेडिएंट वो जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है उसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे, जिसकी उससे ज़्यादा है उसको फिर ऐड करेंगे और ऐसे ही हम वो कैरी ऑन हम लोग करेंगे और अपने पाउडर्स को ऐड करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं मिक्सिंग की, तो यहाँ पे हम 5 मेथड्स को यूज करते हैं पाउडर्स को मिक्स करने के लिए। जो पहला है ये कहलाता है स्पैचुलेशन, दूसरा है इसको हम कहते हैं ट्राइजुरेशन, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, शिफ्टिंग एंड और वो टम्बलिंग लोग यूज़ करते हैं अपने पाउडर्स को मिक्स करने के लिए। तो इस वीडियो में एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला मेथड है दैट इज़ कॉल्ड द स्पैचुलेशन। तो अगर हम स्पैचुलेशन की बात करें तो हम लोग जो अपनी वो लैब के अंदर स्पैचुला वगैरह यूज़ करते हैं, हम उसी को यहाँ पे यूज़ करते हैं और उसको जब हम मूव करते हैं हमारे जो हमारा पाउडर है उसके ऊपर, तो जो उसके इंग्रेडिएंट हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। वो हम जो है इस मेथड को वो किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, अगर जो हमारा पाउडर है उसमें उसका अमाउंट जब काफ़ी स्मॉल है तो उस कंडीशन में हम उसको स्पैचुलेशन के थ्रू मिक्स कर सकते हैं, या अगर हमारा वो सब्सटेंस ऐसा है वो जो कि वो लिक्विफाई हो सकता है या वो फॉर्म करता है यूटेटिक मिक्सचर फॉर्म करता है, तो उस कंडीशन में हम स्पैचुलेशन की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हमारा सब्सटेंस ऐसा है वो जो लिक्विफाई हो सकता है हीट के कॉन्टेक्ट में आने से, तो अगर उसको हम पिस्टल और मोर्टार में ट्राइचुलेट करेंगे तो उसमें हीट जनरेट होगी और उस कारण से हमारा जो पाउडर है वो लिक्विफाई हो सकता है या वो जो है यूटाइटिक मिक्सचर फॉर्म कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम स्पैचुलेशन की प्रोसेस को ही यूज करते हैं। हाँ, तो जो अगली प्रोसेस है हमारी उसको हम कहते हैं ट्राइजुरेशन, इट इज़ यूज फॉर बोथ साइज रिडक्शन एंड मिक्सिंग ऑफ पाउडर। तो अगर हमें अपने पाउडर्स का साइज वो रिडक्शन करना है और साथ साथ में मिक्स करना है, उस कंडीशन में हम ट्राइजुरेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। तो इसमें जो अपरेटस यूज होता है उसको हम कहते हैं मोर्टार एंड पिस्टल्स। तो जो हमारे यूज होते हैं मोर्टार एंड पिस्टल, वो हो सकते हैं पोर्सलिन के, जो हमारा अलग होता है पोर्सलिन का, उस कंडीशन में क्या है कि उसकी जो अंदर की आप कह सकते हैं सरफेस होती है वो हल्का सा रफ होती है, वो जिसके कारण कि हमें वहाँ पे एक अच्छा देखने को मिलता है साइज वो रिडक्शन भी और मिक्सिंग की प्रोसेस भी उसमें प्रॉपरली होती है। बट वो कुछ कंडीशन में हम ग्लास के मोर्टार और अलग पिस्टल्स को यूज़ करते हैं, वो क्योंकि अगर कोई ऐसा केमिकल है ऐसा सब्सटेंस है वो जो कि हमारे
वो पोर्सलिन की वो सरफेस के ऊपर स्टेन कर सकता है या उसके ऊपर वो दाग लगा सकता है, तो उस कंडीशन में हम ग्लास का मोटर और पिस्टर यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा अगला मेथड है, इट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल डाइल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या जो हमारा है वो पोटेंट वो सब्सटेंस, अगर उसकी क्वांटिटी काफी कम है इन कंपेरिजन टू द डाइल्यूएंट, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे जियोमेट्रिकल डाइल्यूशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी वो ड्रग है उसकी जो क्वांटिटी है उसी के अप्रोक्सीमेट इक्वल क्वांटिटी हम वहाँ पे सबसे पहले डाइल्यूएंट की लेते हैं और उसके बाद उसको ट्राइचुरेशन की प्रोसेस को यूज करके मिक्स करते हैं। उसके बाद में जो हमारा आता है मिक्सचर, उसमें हम इक्वल क्वांटिटी हालांकि वो फिर से वो डाइल्यूएंट की ऐड करते हैं और उसको फिर से ऐड करते हैं और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमारा पूरा डाइल्यूएंट यूज नहीं हो जाता। हाँ, तो इस कंडीशन में अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो अगर हम ये मानते हैं कि हमारे पास 100 mg हमारी ड्रग है और जो हमारा वो डाइल्यूएंट है उसका जो टोटल अमाउंट है अगर वो है 900 mg और इनको अगर हमें आपस में ऐड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 mg अपनी ड्रग लेंगे, ये हमारी वो ड्रग है, और उसके बाद में जो हमारे एक्सिपिएंट है उसमें से हम लेंगे 100 mg। 100 mg हमने एक्सिपिएंट लिया और उनको जब हम ऐड करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा 200 mg मिक्सचर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे 200 mg हमारा मिक्सचर है, ठीक है, और उसके बाद में इसमें हम जो हमारा वो डाइल्यूएंट था उसका 200 mg फिर से ऐड करेंगे और उसको मतलब फिर से करेंगे मिक्स, तो ये हो जाएगा 400 mg। अब जो हमारा 400 mg है इसमें हम फिर से हमारे डाइल्यूएंट का 400 mg लेंगे और इसको हम इसमें मिक्स करेंगे, तो ये हो गया हमारा 800 mg। अब हमारा जो पाउडर है वो है 800 mg। अब हम इसमें जो भी हमारी एक्स्ट्रा क्वांटिटी वो डाइल्यूएंट की है उसको अब हम यहाँ पे पूरा ऐड कर देंगे, या हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे 100 mg लिया था वो 200, ये 300 हो गया, 400 वो 700 mg हो गया, अब हमारा 200 mg रह गया है, हम उसको इस प्लेस पे ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे तो टोटल हमारा 1000 mg प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से या इस प्रोसेस को अगर इस तरह से हम मिक्सिंग को करते हैं तो उसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। जो हमारा अगला प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सिफ्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पाउडर है उसको हम एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पे रोटेट करते हैं, जो हमारे वो पाउडर्स हैं एक दूसरे के ऊपर और वो रोटेट होते हैं जिसके कारण कि उनके अंदर मिक्सिंग होती है। तो हमने अपने वो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में जो वो मिक्सिंग वो टॉपिक वो कवर किया है, वहाँ पे काफ़ी सारे इक्विपमेंट हैं वो जिसमें हम पाउडर्स को मिक्स करते हैं सिफ्टिंग की प्रोसेस को यूज़ करके, और ये वो काफ़ी हद तक हमें यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे जो हमारा परफॉर्म होता है प्रोडक्ट वो काफ़ी फ्लफी प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। और जो इसमें हमारा अंतिम मेथड है इसको हम बोलते हैं वो टम्बलिंग। इसमें हम काफ़ी सारे टम्बलर्स को यूज़ करते हैं और उनके अंदर अपने वो सब्सटेंस को रखते हैं और वो जब रोटेट होते हैं मूव करते हैं तो मिक्सिंग की प्रोसेस होती है। वो टम्बलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ वो मिक्सिंग पाउडर्स इन ए लार्ज कंटेनर और रोटेटेड बाय इलेक्ट्रिकल मोटर। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मोटर को यूज़ करते हैं, वो काफ़ी हैवी कंटेनर होते हैं, उसके अंदर हम अपने पाउडर्स को डाल देते हैं और वो जब रोटेट होते हैं तो उसके अंदर हमें मिक्सिंग अचीव होती है। इसको हम काफ़ी हद तक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है ये है वो ग्रेनुलर पाउडर। तो अगर इसके बारे में वो हम जो है बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगर जो हमारे वो मेडिकामेंट है अगर उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको हम जो है एक वो सिंगल डोज में अगर वो नहीं दे सकते हैं या वो टेबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में पेशेंट को अगर वो नहीं दे सकते हैं तो उस कंडीशन में हम उसके ग्रेन्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। इफ़ दीज पाउडर्स आर वो डिफिकल्ट टू डिस्पेंस एज वो सच इन द पाउडर फॉर्म ड्यू टू द बिटर नॉसियस एंड अनप्लीजेंट टेस्ट। तो अगर हमारा जो वो पाउडर है वो उसको हम जो है पाउडर के फॉर्म में अगर वो नहीं दे सकते हैं, उसका वो टेस्ट खराब है और वो बिटर है, नॉसियस है या अनप्लीजेंट है,
तो उस कंडीशन में हम उसको ग्रेन्यूल के फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं। और एक कंडीशन और है, अगर जो हमारे पाउडर है वो डिफिकल्ट होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट करने के लिए स्टेबिलिटी प्रॉब्लम के कारण, तो उस कंडीशन में भी हम अपने जो पाउडर है उसको ग्रेन्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर टेस्ट अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में भी, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में भी हम उसको ग्रेन्यूल्स में प्रिपेयर करते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हम अपने पाउडर्स को ग्रेन्यूल के फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे। तो किस तरह से इसको हम प्रिपेयर करेंगे, तो जो हमारा हालत वो ड्रग है या हमारी जो है सॉलिड, तो किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करेंगे, तो जो हमारी वो ड्रग है उसमें हम ऐड करेंगे वो स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, वो कलरिंग एजेंट, वो सुइटेबल वो ग्रैनुलेटिंग एजेंट उसके अंदर ऐड करेंगे और उसको करेंगे मॉइस्टन वो करेंगे, जिससे कि एक हमें वो कोहेरेंट मास प्राप्त हो जाए। तो ये जब हमें एक तरह का मतलब मास प्राप्त हो जाता है, आटे की तरह आप कह सकते हैं, वो गूंदा हुआ आटे की तरह का एक हमें मास प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम 10 नंबर की सीव से पास करते हैं। तो जो हम उसको 10 नंबर की सीव से जब पास करेंगे तो क्या होगा कि हमें उसके नीचे ग्रेन्यूल्स प्राप्त होंगे। उन ग्रेन्यूल्स को अब हम ड्राई करेंगे हॉट एयर ओवन के अंदर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के टेम्परेचर पे, और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद में इसको हम 20 नंबर की सीव से पास करेंगे और उसके बाद इसको हम एक वो कंटेनर में पैक कर देंगे, वो जिसका कि जो माउथ है वो थोड़ा वाइड हो, जिससे कि आसानी से हम ग्रेन्यूल्स को उसमें से बाहर निकाल सकें। हाँ, तो काफ़ी सारे हमारे एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं वो, जैसे कि मतलब आपके इरेथ्रोमाइसिन, फिनॉक्सी मेथिल पेंसिलिन एंड एम्पिसिलिन, ये जो ऐसे एंटीबायोटिक हैं वो जो कि अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं सोल्यूशन के फॉर्म में तो ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल वो नहीं होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको मतलब प्रिपेयर करते हैं वो ग्रेनुलर फॉर्म में और इनमें ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं वो सस्पेंडिंग एजेंट को, स्वीटनिंग एजेंट को, फ्लेवरिंग एजेंट को, कलरिंग एजेंट को और ग्रेनुलेटिंग एजेंट को हम इसमें ऐड करते हैं और इसका ग्रेन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि ये अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे सोल्यूशन के फॉर्म में तो ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। उसके बाद में हम इसको जो है पैक करते हैं एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं बॉटल के अंदर, और वहाँ पे हम स्पेशल वो डायरेक्शन उसके वो लेबल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, वो लाइक हो सकते हैं कि उसको जब हमें यूज़ करना है तो उसके पहले उसमें ऐड करना है फ्रेशली बॉयल्ड एंड कूल्ड हेलो वाटर को ऐड करना है और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन उसका फॉर्म करना है, और उसको कब तक हमें यूज़ कर लेना है उसके बारे में भी डायरेक्शन वहाँ पे होता है। तो अगर आप इसके एग्जांपल की बात करें तो अधिकतर जो एंटीबायोटिक आती हैं वो जिनको हम लोग देते हैं बच्चों को, उस कंडीशन में वो ड्राई फॉर्म में होती हैं। जब हम उसको लेके आते हैं तो उसमें मतलब पानी को उबाल के वो ठंडा करके फिर उसमें ऐड करते हैं, इंडिकेशन होता है कहाँ तक ऐड करना है, और उसके बाद जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसके एक महीने के अंदर हमको यूज़ करने का भी वहाँ पे डायरेक्शन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के बारे में। तो ये जो हमारे इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स हैं वो दीज आर स्पेशली प्रिपेयर्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म फॉर इंटरनल यूज, इट वो कंटेन मेडिकामेंट मिक्स्ड विद द सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये स्पेशली प्रिपेयर्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं जिसको हम इंटरनली यूज करते हैं। इसमें जो हमारा ड्रग है या जो हमारी मेडिकामेंट है वो सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिक्स्ड होती है, और इसको जब हम अपनी वो बॉडी में करते हैं एडमिनिस्टर तो उससे पहले हम उसको डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। तो अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो हम लोग जो इनो यूज़ करते हैं वो होते हैं इफरवेसेंट पाउडर। तो इसमें क्या होता है कि जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो जो हमारा एसिड है वो सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ये रिएक्ट करता है हमारे वो बाइकार्बोनेट के साथ में और उसमें से इफरवेसेंस निकलती हैं वो जो कि होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की आप कह सकते हैं गैस निकलती है जिसकी वजह से झाग बनता है, और ये जो हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से वो निकलता है वो हमारे वो गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है और उस कंडीशन में हमें जो है एसिडिटी से आराम मिलता है या हमारी हम कह सकते हैं जो हमारी वो मेडिसिन है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में तो यहाँ पे हम दो मेथड को यूज़ करते हैं। पहला है हमारा हॉट मेथड या हीट मेथड या और दूसरा है हमारा वेट मेथड। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो हमारा पहला मेथड है वो दैट इज कॉल्ड हीट मेथड। तो इसमें क्या होता है कि हम
हाँ, वो पोर्सलिन या स्टेनलेस स्टील की एक वो डिस्क लेते हैं और उसको हम रखते हैं वाटर बाथ के ऊपर और उसको हम इतना हीट कर लेते हैं, अच्छा खासा हीट कर लेते हैं हमारे पाउडर को उसके ऊपर ट्रांसफर करने से पहले हम उसको अच्छा खासा हीट कर लेते हैं। वो जब हम हीट होने के बाद में उसके ऊपर पाउडर को ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो सिट्रिक एसिड है उसके अंदर जो वाटर होता है वो इवापोरेट होता है, वो लिबरेट होता है और उसको हम वो कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द, या कह सकते हैं वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन जो सिट्रिक एसिड के अंदर है वो वहां से लिबरेट होता है और उस कंडीशन में हम जो हीटिंग की प्रोसेस है उसको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 5 मिनट तक इसको हीट करते हैं, वो जिसके कारण कि वहां पे एक उसका फॉर्म होता है वो डैम और या आप कह सकते हैं वो लोई उसकी फॉर्म होती है और उसको फिर हम जो हमारी सीव है उसके थ्रू पास करते हैं और उसके बाद में उसको हम एक ओवन के अंदर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के टेम्परेचर पे ड्राई करते हैं और उसको हम पैक करते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर, जैसे कि वो एयर के कॉन्टेक्ट में ना आए या एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे। हमारा जो दूसरा मेथड है वो है वेट मेथड। इसमें क्या होता है जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं उनको हम आपस में वो करते वो मिक्स करते हैं और उनको हम करते हैं मॉइस्टन करते हैं विद एंड नॉन एक्वस लिक्विड सच एज एल्कोहल। तो यहाँ पे जो भी हमारा इंग्रेडिएंट है उनको जब हम मिक्स करते हैं तो हम ऐसे लिक्विड से उसको मॉइस्ट करते हैं जो कि नॉन एक्वस होता है, मीन्स उसके इस प्लेस पे हम वाटर को नहीं यूज करते हैं। तो उससे जो हमारा वो डैम हालांकि फॉर्म हो रहा है या कोहेरेंट हमारा मास फॉर्म हो रहा है उसको हम एक 8 नंबर की सीव से पास करते हैं। तो 8 नंबर की सीव से जब हम पास करेंगे तो उसके ग्रेन्यूल्स फॉर्म होंगे और उन ग्रेन्यूल्स को हम ओवन के अंदर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के नीचे उसको हम ड्राई करते हैं और जो हमारे वो ड्राइड और जो हमारे वो ड्राइड ग्रेन्यूल्स हैं उनको हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।